आजकल कॉलेज के अंदर, घरों के अंदर, परिवारों के अंदर गाली इतनी गहराई से घुस गई है कि उस गाली को गाली ही नहीं मानते। हम बैठे हुए थे कहीं, उन्होंने ऐसे ही गाली दी बिना कारण के ही, किसी को नहीं, बस वैसे ही अपने आप को ही। मैंने कहा ये क्या था? उसने कहा सॉरी जी, मुझे ध्यान नहीं रहा, आप भी यहीं हो। बड़े आश्चर्य की बात है, हद की बात है कि लोग इतना इन गालियों के अंदर खो गए हैं, खुद को भी गाली देते हैं, माँ बहन को भी गाली देते हैं, परिवार को भी गाली देते हैं, साथियों को भी गाली देते हैं, दोस्तों को भी गाली देते हैं, अपने टीचर्स को भी गालियाँ देते हैं, जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ भी गालियाँ देते हैं, ऑफिसर्स को भी गालियाँ देते हैं। कोई ऐसा फील्ड बचा हुआ नहीं है जहाँ ये गालियाँ ऐसा बना दिया, भोजन के बिना लोग रह सकते हैं, गालियों के बिना नहीं रह सकते। उठते ही गालियाँ देना शुरू करते हैं, फोन हाथ में उसको भी गालियाँ देते हैं, लाइट चली गई उसको भी गालियाँ देते हैं, काम वाला थोड़ी देर हुई उसको भी गालियाँ देते हैं। ये क्या हो गया है इस समाज को? माँ बहन, लड़के ही नहीं, लड़कियाँ भी बुरी तरह से गालियाँ देती हैं, लड़कों से भी बुरी तरह से गालियाँ देती हैं। गालियों के बिना बात ही नहीं होती, 5 मिनट वो लोग बात ही नहीं कर सकते बिना गालियों के। चाहे अपने भाई का जिक्र हो, अपनी माँ का जिक्र हो, पिता का जिक्र हो, उनको भी गालियाँ धारा प्रवाह गालियाँ देते हैं बिना रुके। माँ बहन की गालियाँ तो बस भोजन की तरह से हो गई है, उनके बिना काम नहीं चलता। न वाणी के ऊपर संयम होता है, न मन के ऊपर संयम होता है, ना बुद्धि के ऊपर संयम होता है। फिर माफी मांगते रहते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं। अगर कोई बोल दे कि ऐसे गालियाँ नहीं देनी चाहिए, आपका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे किस ग्रह से आ गए हो, कौन से लोक से उतर करके आए हो जो गालियाँ नहीं देते? आपके साथ कौन रहेगा बिना गालियों के? कैसे रहते हो, किस दुनिया से में रहते हो आप जहाँ गालियाँ नहीं दी जाती? गालियों के बिना दिमाग फ्रेश नहीं होता, मूड नहीं बनता, अंदर से फीलिंग नहीं आती। ये जवाब हैं आप लोगों के। क्या ये सही है? जिसका वाणी के ऊपर संयम नहीं हो सकता, उसका बुद्धि के ऊपर संयम नहीं हो सकता, मन के ऊपर संयम नहीं हो सकता, अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम नहीं हो सकता, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? जीवन में कैसे सफल होगा? कैसे रिश्ते चलेंगे? कैसे रिश्तों को निभाएगा? कैसे रिश्तों को संभाल करके रखेगा? कैसे परिवार में रह पाएगा? इसी कारण से सब रिश्ते बर्बाद होते जा रहे हैं। माँ पुत्र को गाली देती है, पुत्र माँ को गाली देता है, भाई बहन को गाली देती है, बहन भाई को गाली देती है। क्या है भाई ये? गालियों से भर गया। क्या ये पवित्रता है? क्या ये प्रेम है? प्रेम में भी गालियाँ देते हैं। क्या है ये? क्या बना दिया आपने अपने आप को? क्या इस समाज को बना दिया? क्या आपने ये क्या समझ पैदा कर ली? कैसे ये सब कुछ चलेगा? कहाँ जीवन रहा? सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। जीवन में सबसे प्रेम से बात किए बगैर, जो सभ्य तरीका है उसका उपयोग किए बगैर और रिश्ते निभाए बगैर और बिना प्यार से बोले कितने दिन चल सकता है रिश्ता? नहीं चलेगा, समाप्त हो जाएगा। बहुत से रिश्ते तो इस कारण से खराब हो जाते हैं, ये मुझे गाली देती है, मैं इसको गाली देता हूँ, मैं ये नहीं झेल सकता, वो नहीं झेल सकते। तो आप वाणी पर संयम कीजिए, रिश्तों को बना करके रखिए, प्यार से रहिए और इन
बुरी आदतों से बाहर निकलने का प्रयास कीजिए।